मैं ऋषिपाल सिंह जनवार टाइम्स की विशेष न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनपद इटावा के पकेवर क्षेत्र में हुई एक घटना के संबंध में। घटना है कि एक गरीब परिवार की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये जो घटना है इससे संबंधित जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति हैं, वो हमारे पास उपस्थित हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? जी सचिन नाम है मेरा। सचिन जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर मैं जिला इटावा पकेवर से बिलोंग करता हूँ। जी घटना क्या है आपकी? सर कुछ दबंगों द्वारा हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है जी। हमारी कब्जा 2017 में किया गया था, उससे मैंने शिकायत भी की थी, तो कई जगह शिकायत होने के बाद भी। कहाँ कहाँ शिकायत की थी? जी सर मैंने बकेवर में थाने में शिकायत की है, इटावा SSP के यहाँ भी की है, DMG के यहाँ भी की है, हर जगह मैंने शिकायत की है। तब उनको 151 में उनका चालान किया गया था। ठीक। उसके बाद अब ये हमारे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उन्होंने दीवानी भी की, हमने भी दीवानी की है। क्या जो आपने दीवानी की है उसका कोई साक्ष्य है आपके पास? जी हमारे पास दीवानी का साक्ष्य भी है, और दीवानी से साक्ष दिखाई एक बार जी। इसके ऑर्डर भी हमारे दीवानी पर चल रहा है, 2017 में किया था। दीवानी पर कौन सा ऑर्डर है आपके पास? ये स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर है जी? जी सर ये स्टे ऑर्डर हमारा है, दीवानी पे चल रहा है। ये 3 साल चलने के बाद तिवारी लाल जी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके ही परिवार से हैं, उनके पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए, उनकी मिट्टी उसी विवादित भूमि पर लगाई गई है, इससे कोर्ट का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में आपने कोई प्रार्थना पत्र अपने संबंधी थाना क्षेत्र में दिया? जी मैंने थाने में शिकायत की है, अभी बकेवर थाने में शिकायत की उसी दिन की थी जब मिट्टी लगने जा रही थी, तो थाने से मेरे पिताजी गए थे, वहाँ पर उनको ऐसे ही भगा दिया गया। सर मैंने शिकायत की तो वहाँ से लौटा दिया गया उनको। जैसे कि आपने पिताजी कह रहे हो, जो जमीन है, जो विवादित जमीन है जी, आपके नाम पर है या आपके पिताजी के नाम पर? जी मेरे पिताजी के नाम पर है जमीन जी, हमारे सभी घर में सबका नाम है। खतौनी, ये खतौनी हमारी ये है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा इस खतौनी गुजरात ये भूलेख पर ये अंकित है, भूलेख पर हमारी ये हमारे ही नाम पर है, ये हमारे पिताजी के नाम पर है। जिले में कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, हाँ विवादित भूमि पर मिट्टी न लगाने, लेकिन उन्होंने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। ये दबंग टाइप के लोग हैं, उन पर कई धाराएं मुकदमा भी चल रहे हैं। पहले से भी जिन लोगों ने अपनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन लोगों पर पहले से भी मुकदमे चल रहे हैं, कई धाराओं पर उनको मुकदमा दर्ज है, उनके पकेवर थाने में ये इटावा में दर्ज है उनके। तो मैं उनको दर्ज मिला, मैंने वहाँ पर SSP के यहाँ भी 8 तारीख को शिकायत की है, तो ये कोर्ट पर लंबे थे अभी। अच्छा जो कौन सी शिकायत की आपने? ये IGRS पर लंबे था ये। अच्छा, जो मैंने जन सुनवाई पर जो शिकायत की जाती है वो जो उन्होंने शिकायत को भी दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये शिकायत जो भी लंबित है, इसका भी कोई समाधान को नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से। जी मैंने एप्लीकेशन भी दिया था। जी कहाँ पर दिया था आपने? जी मैंने SSP के सर के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था। एक बार उसको ये हमारा एप्लीकेशन है, मैंने 8 तारीख को इससे ये पोर्टल पर IGRS पर हमारे पास SMS आया, जिससे मैंने चेक किया, अभी शिकायत हमारी लंबित है, उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की जाए इस पर, यह कोर्ट का उल्लंघन जिसने किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी पीड़ित व्यक्तित्व है हमारे साथ में, इनकी जो भी घटना है इस पर एक बार विचार किया जाए, और जो भी उचित कार्रवाई हो वह उचित कार्रवाई से केस के संबंध में जरूर की जाए। और आपका मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया, और जो भी आपकी समस्या थी आपने हमारे स्टूडियो में आके उससे हमें अवगत कराया। अपने सभी दर्शकों को इस प्रोग्राम के अंत में जनवार टाइम्स की तरफ से मैं ऋषिपाल सिंह सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। जनवार टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।